मेरे को रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि उमेर मेरे को महीने के 50,000 रुपये कमाने, मेरे पास ना लैपटॉप है ना एक कहते हैं ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि मैं एक स्टार्टअप शुरू कर सकूं। ठीक है यार, मेरे पास एक स्मार्टफोन ही है, मेरे को बताओ यार किस तरीके से मैं 50,000 रुपये महीने के कमा सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि यार किस तरीके से आप इंस्टेंट पैसा कमा सकते हो। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम मैं आगे जाके रिवील करूंगा, उसका फॉर्मूला भी रिवील करूंगा, उसने करीबन 30,000 रुपये 2 हफ्तों में कमाए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब वो क्या चीज़ थी जिसके थ्रू उसने कमाए, आप सोच रहे होंगे। देखो, वो जो बिजनेस मॉडल उसने यूज़ किया ये कमाने के लिए, वो था एफिलिएट मार्केटिंग। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, यार उमेर हम एफिलिएट किस प्रोडक्ट का करें? अब जैसे हमें इंस्टेंट पैसा कमाना है, इंस्टेंट पैसा कमाने के लिए रिफर एंड अर्न इतना बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग लाखों कमाते हैं। ठीक है, बट हमें कोई ट्रस्टेड ऐप ही नहीं मिलता। आप सभी के क्वेश्चंस मेरे को मेरी रिसेंट वीडियोस में आए। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मेरे को एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम था ग्रोमो। और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उस बेसिकली ऐप का यूज़ करके, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होगे यार ग्रोमो है क्या। देखो मैं उस पर आऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ ग्रोमो ऐप का। 2019 में अंकित खंडेलवाल और साजिद दर्पण खुराना ने साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी थी और इनको करीबन दोनों को 10 साल से भी ज्यादा का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। और अब वो बेसिकली हेल्प कर रहे हैं इंडिया की, और उनकी कहते हैं ना इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, जो कि है पैसे कमाने की। देखो ग्रोमो जो ऐप है ना, ठीक है, आप इसको प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 20 से भी ज़्यादा फिनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मिलते हैं, जिनको आप बेसिकली प्रमोट कर सकते हो और बेसिकली पैसे कमा सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, या एक हाउसवाइफ हो जो कि यार अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था यार किस तरीके से मैं पैसे कमाऊँ और इंस्टेंटली पैसा कमाना शुरू कर दूँ, तो ग्रोमो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ग्रोमो को, तो ग्रोमो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बेसिकली चलते हैं फ़ोन पे, एंड अगर आपने ये जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है अगर आप उसको क्लिक कर लेते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोमो प्ले स्टोर के ने अभी अवेलेबल है, ऐप स्टोर के ने आना बाकी है। और सिंपली जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, जैसे ही ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पे पूछता है कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी चूज कर सकते हो, मैं इंग्लिश के साथ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखो सेल ओवर 40+ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 20 नहीं 40+ प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप मंथली 50,000 तक इनकम जनरेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है उससे ज़्यादा कर सकते हो, बट हाँ इन्होंने दे रखा है बहुत सारे इनके पार्टनर्स, ग्रोमो के पार्टनर्स ऑफिशियल, वो बेसिकली इतना अर्न कर चुके हैं। साथ ही साथ टाइमली पेमेंट्स है, तो सिंपली जाके साइन अप कर लेता हूँ। जैसे ही आप साइन अप कर लोगे अपने कहते हैं ना ऐप में, तो आप इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो फिलअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे KYC, पैन कार्ड सब करा लेना। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ होम स्क्रीन के बारे में। तो जैसे ही आप सारी चीज़ें कर दोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे, एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, ब्यूटीफुल इंटरफेस है मैं कहूँगा। और जैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग ग्रोमो पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि आप कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड है, सेविंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ मेंशन है। अब लेट्स सपोज आपको क्रेडिट कार्ड करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे बोलेगा कि किसका क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपको प्रमोट करना है। लेट्स सपोज मेरे को IDFC फर्स्ट बैंक का करना है, तो यहाँ पे पूरा लिख रखा है बाकायदा कि अगर आप उसको प्रमोट करते हो तो आपको 1400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और बेनिफिट्स भी लिख रखें कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, सारी डिटेल जो प्रोडक्ट की है ना उन्होंने दे रखी है ग्रोमो ऐप ने, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद उन्होंने ये भी बता रखा है कि इसको सेल कैसे करना है। देखो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आपको पता होगा मैं हमेशा बार बार चीज़ मेंशन करता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसे बेचना है प्रोडक्ट। ग्रोमो ने बेसिकली डिटेल शेयर कर रखी है कि किसको ये जो क्रेडिट कार्ड है किसको नीड होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग वीडियो दे रखी है प्रोडक्ट को और समझने के लिए, एंड यहाँ पे आप ऑफर चेक कर सकते हो कि आपकी सिटी में अवेलेबल है या नहीं वगैरह वगैरह। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। उन्होंने बोला 250 एडिशनल रिवॉर्ड ओनली अप्लीकेबल ऑन थर्ड कस्टमर सेल, मतलब अगर आप 3 सेल लाते हो, ठीक है, या थर्ड सेल लाते हो तो आपको 250 रुपीज़ का कहते हैं ना बोनस मिलने वाला है। तो करीबन 1400 रुपये प्लस 250,000, तो मतलब अच्छी खासी जो इनकम है एक दिन में निकाल पाओगे इससे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने शेयर पे क्लिक किया ना, तो इन्होंने मेरे को एक लिंक दे दिया
जिसको बेसिकली मैं शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नंबर हाइड कर लूँगा ऑब्वियसली, बट जैसे ही यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा ना, मैं किसी को भी यहाँ पे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकता हूँ, रेडिट पे, टेलीग्राम पे, जिस पे करना चाहे मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं किसी को व्हाट्सअप पे कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने शेयर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको लिंक चला गया होगा ग्रोमो का। अब जैसे ही वो इससे बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है, मेरे को जो कमीशन है वो बेसिकली आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई इसके बारे में। आपको मैंने ये भी बता दिया कि ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अगर और इसके बारे में जानना है तो एकेडमी भी दे रखी है यहाँ पे, ग्रोमो ने पूरा कोर्सेज वगैरह दे रखे हैं आपके साथ, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कस्टमर्स वगैरह कैसे लाए जाते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हाउ टू बी ग्रेट सेल्समैन, मतलब जो सेलिंग में, ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने में जो जो रिक्वायरमेंट होगी ना चीज़ों की, वो उन्होंने सारी आपको लर्निंग्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं इन अ सिस्टमाइज मैनर। तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको थोड़े से और फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे लीड्स का ऑप्शन है। लीड्स का बेसिकली ऑप्शन कहते हैं ना, जैसे लेट सपोज आपने किसी को रिफ़र किया, उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाल दी, तो यहाँ पे आपको लीड्स में यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक लीड दिखा रहा है उमेर कुरैशी की, जो कि मेरी है, मैंने ट्राई करने के लिए किया था। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। आई होप मैं इसको बोरिंग नहीं बना रहा हूँगा। ठीक है, तो क्रोमो अगर आप प्रमोट करना चाहते हो ना, अगर आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कंटेंट भी मिलता है इनके द्वारा। ठीक है, लेट सपोज अगर आप जुपिटर एक पर्टिकुलर कहते हैं ना प्लेटफॉर्म, अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हो तो उसके ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ आपको ये बना के दे देते हैं, जिनको आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपने जो प्रमोशन है उसमें यूज़ कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ विजिटिंग कार्ड्स हैं, रिफर एंड अर्न का ऑप्शन है, वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दे देते हैं जिस पे बेसिकली आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो, और जो ग्रोमो की टीम है बेसिकली वो उनको कन्वर्ट करती है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अब बात करते हैं हम रिफर एंड अर्न की। रिफर एंड अर्न में देख सकते हो एक बंदा ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। अब रिफर एंड अर्न में बेसिकली कैसा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ग्रोमो में बेसिकली अगर आप किसी को रिफर करते हो तो आपको सबसे पहले 100 रुपये तो मिलते हैं। ठीक है, अगर वो सारी डिटेल्स मतलब वो सेल वगैरह लाता है तो 100 रुपये आपको मिलते हैं। बट ग्रोमो का एक बहुत ही अच्छा फीचर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फीचर नहीं एक बेनिफिट, जो जो आपके अंडर आते हैं ना रिफरल्स जिनको आप देते हो, जैसे लेट सपोज मैंने 3 लोगों रिफर किया, एक है राम, अब्दुल और एक बलप्रीत, तीनों बेसिकली अर्निंग करना शुरू कर देते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, मेरे थ्रू कह लो या मैंने उनको रिफ़र किया था तो वो शुरू कर दिए। जैसे राम कमा रहा है 1 लाख रुपये और अब्दुल कमा रहा है 60,000 रुपये और बलप्रीत कमा रही है 40,000 रुपये, तो करीबन 2 लाख रुपये ये मिलजुल के तीनों कमा रहे हैं। अब ग्रोमो क्या करता है, आपको जो आपके रिफरल्स होते हैं ना, जिनको आपने लिंक भेजा और वो ग्रोमो ऐप ज्वाइन किए, आपको उनकी जो एफिलिएट इनकम है उसमें से आपको 5% कमीशन लाइफ टाइम मिलती है। लेट सपोज अब इन तीनों की सारी इनकम मिला के 2 लाख बनती है, तो इनका 2 लाख करीबन 10,000 रुपये, जिनका 5% बैठता है आपको मिलेगा, करीबन 10,000 रुपये आपको फ्री की इनकम मिली है। फ्री की या कह लो या इसको पैसिव इनकम भी कह सकते हो, जो कि बेसिकली आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है आज़ादी का महोत्सव, जहाँ पे बेसिकली अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप अच्छा कहते हैं ना सेलिंग वगैरह करते हो, सो यू विल गेट अ चांस टू विन अ स्कूटी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप बेसिकली चेकआउट कर सकते हो अपने द्वारा। ठीक है, ये हो गई चीज़। अब मैं आपको छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो आपकी अर्निंग्स वगैरह है वो यहाँ पे एक वॉलेट दिख के आ रहा है ना, तो वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी और आपकी जो इनकम है उसमें से 5% TDS कटेगा। सो दैट इज़ द ऑल्सो थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो सारे ऐप्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर आप एफिलिएट करते हो, वहाँ पर ऐसा रहता ही है। और आपने बैंक डिटेल्स अगर डाल रखी हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कमीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी अबाउट ग्रोमो ऐप। अब हम बात करते हैं बेसिकली ग्रोमो को प्रमोट कैसे करना है। देखो, अब यहाँ पे ना इस वीडियो में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी बंदा इस पार्ट को देख लेता है लिटरली वो पैसा कमा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होना, रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी, यहाँ पे आप देख सकते हो वो बंदा कह रहा है कि उसने करीबन 6,000 रुपये कमाए लास्ट 15 डेज में, उस वीडियो से जहाँ पे मैंने बताया था कि 30 दिन में करीबन 10,000 रुपये कैसे कमाए। ठीक है, तो उसने करीबन 15 दिन में 6,000 रुपये कमा लिए। इसका मतलब ये है, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो काम करती हैं, बट आप एक्शन लोगे तभी आप रिजल्ट ला पाओगे। ठीक है, अब देखो लेट सपोज सबसे पहली चीज़, अगर आप एक ब्लॉगर हो जो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, आप कॉन्टेंट लिखना स्टार्ट कर दो अराउंड ग्रोमो ऐप।
ठीक है। अब उसके अराउंड क्या कंटेंट लिख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप सिंपली जाओ, आप ग्रोमो ऐप लिखो, इसके रिव्यू बहुत कम है, ठीक है, ग्रोमो ऐप के जो रिव्यू हैं काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिव्यू जाके कंटेंट बेसिकली डाल सकते हो, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ से बेसिकली रिफ़र करके आपका कहते हैं ना ज्वाइन कर सकते हैं। बट लेट सपोज आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेसिकली प्रमोट करने हैं। देखो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अगर आपको प्रमोट करने हैं ना, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जितने भी ब्लॉगर्स हैं आप कंटेंट डालो अराउंड इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे लेट सपोज अगर आपको प्रमोट करना है IDFC का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन था, ठीक है, वो कितने का था, 1400 रुपये का था, ठीक है। अब आप क्या करो, आप IDFC बैंक के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में रिव्यू डालो, ठीक है, सेम चीज़ जैसे मैंने बताई, रिव्यू डालो। आप ये भी लिख सकते हो कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिल सकते हैं, बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर ब्लॉगर्स कौन से हैं, बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर डिजिटल मार्केटर्स कौन से हैं, बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यूथ। ये तो हो गया ब्लॉगर्स के लिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इंस्टाग्राम पे बेसिकली काम करते हैं। देखो लेट सपोज आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, आपके ऑलरेडी पेजेस हैं, मैं कहूँगा एक नया पेज शुरू करो। अब नया पेज किस पे होगा मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप देखो मेरे भी इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो। बट लेट सपोज अगर आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हो, और सबसे पहली चीज़ ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचने से पहले आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, या फाइनेंशियल जो नॉलेज है ना आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वही नहीं है तो फिर आपको कॉन्फिडेंट कैसे आएगा कि यार मैं ये प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली करनी है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगे आपको, जाके कंज्यूम करना शुरू करो, ठीक है। अगर आप 30 डेज भी काम करते हो ना इस पर, आप इजीली वैसे कमा सकते हो, फाइनेंशियल एजुकेशन भी समझ सकते हो। डेली बेसिस पे वीडियोस देखना शुरू करो, जो सीखे उसके बारे में शेयर करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। रील्स के माध्यम से शेयर करना है, रील्स के माध्यम से, किसी और माध्यम से नहीं, रील्स के माध्यम से। अब देखो रील्स एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने एक रील डाली थी, करीबन उसको 22,000 लोगों ने देखा। अब ये 22,000 लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता तो क्या करीबन 40 लोग कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, ठीक है, हो सकते थे ऑब्वियसली। तो आप इस तरीके के वीडियोस बनाओ कि गाइज HDFC ने ये ऑफर लाया है, अगर आप HDFC का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो गो हैड, दिस इज़ द राइट टाइम। इस तरीके का जो कॉन्टेंट है ना, देखो आपको बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब आप ये चीज़ करोगे ना, तभी आप बेसिकली पैसे कमा पाओगे। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ करी थी, वो बोलते हैं कि यार 100 रुपये कमाओ इस रील के ख़त्म होने तक, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, 100 रुपये कमाओ इस रील के ख़त्म होने तक। मैं उन यूट्यूबर्स को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैं समझा रहा हूँ उनकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किसी ऐप का बारे में बोलते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करो, और जब ही कोई भी ऐप, मतलब कोई भी उनका उनके थ्रू ऐप डाउनलोड करता है, अकाउंट बनाता है, तो उनको कमीशन बेसिकली मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली यही सेम चीज़ आप कर सकते हो, आप ग्रोमो के बारे में बोल सकते हो। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि आप कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास कोई ऑडियंस नहीं है, ठीक है, या जिनको पता ही नहीं है कि यार मेरे से हो पाएगा या नहीं, उनकी बात करते हैं। तो अगर आप YouTube पे बेसिकली काम करना चाहते हो, तो YouTube पे काफ़ी सिंपल सिस्टम है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है, या तो आप सबसे पहली चीज़, या आप कहते ना कंटेंट क्रिएट करने लग जाओ YouTube पे अराउंड क्रोमो ऐप, ठीक है, या अराउंड यू कैन से वीडियोज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फिनेंस के बारे में सिखाना शुरू कर दो। जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पुष्कर राज ठाकुर का, उनके चैनल पे आप देखिए बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं रिलेटेड ग्रोमो, हाउ टू मेक मनी एंड यू कैन सेव फाइनेंस के बारे में, तो वो कंटेंट डालते रहते हैं, तो वो प्रमोशन जब करते हैं तो काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप ग्रोमो का रिव्यू डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने ग्रोमो का रिव्यू डाल रखा है, जिसके थ्रू वो जो रिफर है ना है ना वो बेसिकली कर रहे हैं। और देखो मैं नहीं मानता कि आपकी वीडियोस पे लाखों व्यूज़ होने चाहिए पैसे कमाने के लिए, लाखों व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 20 लोग भी आ रहे हैं ना, ऐसा कॉन्टेंट होना चाहिए जिससे 5 लोग तो एटलीस्ट कन्वर्ट। तो ये बेसिकली चीज़ थी, ये यूट्यूब का थोड़ा फार्मूला था, ठीक है। अब ये फार्मूला से आपको समझ में आ चुका होगा कि यार ग्रोमो के थ्रू कैसे पैसे कमाते हैं। बट यहाँ पे मैं छोटी सी एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। मैंने इसकी शुरुआत में बात करी थी और उसका नाम मैंने नहीं बताया था, उसका नाम है एजाज अहमद।
अब उसने बेसिकली करीबन 30,000 रुपये 2 हफ्ते में कमाए, ठीक है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा था उसके थ्रू उसने कमाए। अब उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार उसने क्या फार्मूला यूज़ किया, उसके बारे में हमें जानना है। तो अब बेसिकली मैं चाहूँगा एजाज़ आए खुद, ठीक है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है ना एजाज का फॉर्मूला, एजाज की जुबानी सुनते हैं। हे गाइस, मेरा नाम एजाज है, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, और जैसे कि उमर ने आपसे कहा कि मैंने कुछ 30,000 रुपीस कमाए हैं 2 हफ्तों में, तो मैं आपको बता दूं कि वो बात गलत है। मैंने 30,000 नहीं, मैंने करीबन 50,000 रुपीस कमाए हैं सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। अब अगर आप ये सोच रहे होगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया, तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये है मेरा एफिलिएट डैशबोर्ड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अर्निंग शो होती है कि मैंने कितना कमाया। तो ये कुछ 40 सेल्स मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी कुछ टोटल अर्निंग अभी तक 2 हफ्तों के अंदर। सो बेसिकली मैंने कोर्स को प्रमोट किया हूँ और उसी की अर्निंग है। तो आखिर मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ किया जिसकी मदद से इतनी सेल्स आई मुझे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस देखो, यूट्यूब जो है ना एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। अब मैंने कोर्स को कैसे सेल किया, आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा चैनल है, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया, मुझे कोर्स को सेल करना था और वो कोर्स है उमर का। तो मैंने जो है ना उमर का इंटरव्यू ले लिया सबसे बेस्ट, और यहाँ पर उस कोर्स को पिच किया। इससे क्या हुआ, उमर की ऑडियंस मेरे पास आई, उन्होंने इस इंटरव्यू को देखा एंड फिर वो लोगों ने कोर्स को परचेस किए। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो से मैंने करीबन 30 सेल्स लाया हूं। अब मुझे सेल्स को इंक्रीज करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और वीडियो अपलोड किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला। यहां पर मैंने कोर्स का रिव्यू दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उमर कुरैशी कोर्स रिव्यू। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को अपलोड हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है, और मैंने यही 1 दिन में 10 सेल्स जनरेट किया, जी हां, वो भी सिर्फ 1 दिन। लेट्स सपोज कि आप ग्रोमो को प्रमोट कर रहे हैं जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, HDFC बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक इस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकते हो, और वहां पर आपको किसी एक को विनर बनाना है जो सही हो, एंड जो विनर बनाए उसकी लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दो, तो ऐसे आप प्रमोट कर सकते हो। आपको टॉपिक्स ढूंढना है। अब जैसे कि मैंने उमर के कोर्स को प्रमोट करने के लिए उमर का इंटरव्यू लिया, तो आप लोग भी अगर ग्रोमो को प्रमोट करना चाहते हो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आप उनके इंटरव्यूज लो जिन्होंने ग्रोमो से अच्छा खासा अर्न किए, एंड देन वहां ग्रोमो को पिच करो, एंड देन उस वीडियो में ग्रोमो को प्रमोट करो। यही कुछ तरीके होते हैं गाइस जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अब यूट्यूब पे एक अच्छा कंटेंट कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ। अब प्रोडक्ट को अगर यूट्यूब पे प्रमोट करना है तो कैसे करें एग्जैक्टली, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। नंबर 1, क्वालिटी कंटेंट। आप जो भी वीडियो बनाओगे सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आपको यूजर को वैल्यू देना है, ना कि जस्ट सेल करना है। नंबर 2, वीडियो क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके वीडियोस लोग ज्यादा देर तक नहीं देखेंगे। जितना अच्छा एंगेजमेंट होगा उतने अच्छे व्यूज आपको आएंगे। 3rd, गुड एडिटिंग इज रिक्वायर्ड, और उसके साथ साथ ही आपके बोलने का तरीका। 4th, अपने वीडियो में बार बार मत कहना कि बाय कर लो, यूजर को वैल्यू दो, वो खुद बाय करेगा। आप अपने प्रोडक्ट को 1 से 2 बार पिच कर सकते हो। 5th, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होगे तो याद से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओ ताकि आपका यूजर कन्वर्ट हो। 6th, हमेशा हो सके तो बोनस दो। यूजर वो प्रोडक्ट कहीं से भी ले सकता है वही सेम प्राइस में, बट अगर आप बोनस देते हो तो यूजर आपसे लेगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया, मैंने यहाँ पर बोनस दिया था। और लास्ट 7th, इंटरव्यू लो और रिव्यू वीडियो बनाओ, ये बहुत चलते हैं गाइस, और इसी के थ्रू आप अच्छे खासे प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। सो बेसिकली दोस्तों ये था कुछ मेरे स्टूडेंट का फॉर्मूला। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, थोड़ी आइडियाज आ गए होंगे यार जिससे आप पैसे कमा सको, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अब अगर आप ग्रोमो ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो जो उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली जाइए डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो यार दैट्स द थिंग एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ वीडियो के लिए सजेशन देना है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, या अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन देना है, आई एम ओपन फॉर इट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स।